आज हम लोग जा रहे हैं आंकड़ा धोध। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं आंकड़ा धोध के मतलब आजू बाजू। तो फ्रेंड्स अभी रास्ता खराब आ गया है, संभल के उतर रहे सभी लोग। देखो फ्रेंड्स कैसे हम लोग जा रहे हैं जंगल में से अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आंकड़ा धोध। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सब लोग कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज शाम के 5 बज रहे हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं आंकड़ा धोध, और मेरे मामा के घर से हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। मेरा मामा, मामी, पिंकू, मेरा बड़ा भाई, सभी लोग जा रहे हैं। चलो निकलते हैं फटाफट आंकड़ा धोध। देखो गाइस अपनी बसंती यहाँ पार कर दी है, और यहाँ से पहाड़ी इलाका चालू हो गया है, और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया है, बादल भी काले काले लगता है, बारिश ही होने वाली है, और यहाँ पे धूप हो रही है। इधर तो धूप हो रही है और इधर काला काला बादल आ रहा है, और हमारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं आंकड़ा धोध के मतलब आजू बाजू। तो और सभी लोग गाड़ी से उतर गए हैं, और यहाँ से बहुत दूर है, अभी तो 2 किलोमीटर चल रहा है अपने को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आंकड़ा धोध नहीं मतलब आंकड़ा धोध की जगह पे पहुँच गए हैं, लेकिन हम लोगों को 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर। जगदीश भाई आंकड़ा धोध पहुँचने वाले हैं, कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। मामी कितना दूर है? वो दिख रहा है, देखो वहाँ पे दिख रहा है, हैं? थोड़ा ही बाकी है पिंक। चलो और बेटा भागो, पिंकू जी चलो अभी चल रहा है, 1.5 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस और बेटा पिंकू जी को परेशान कर रही है, चलो बेटा दौड़ो आगे, ये मामा मामी साथ में चल रहे अभी। तो फ्रेंड्स अभी सभी लोग इधर गाड़ी पार करके गए, देखो मेरे पीछे देख रही है गाड़ी, और 190 चल रही है, हम लोगों ने भी गाड़ी पार कर दी है। फ्रेंड्स 1 किलोमीटर चल लिया है मेरे मामा के साथ, और देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सीन आया है, मस्त सीन, मस्त पानी बह रहा है धमाधम, वही आंकड़ा धोध का ही है वाटरफॉल आंकड़ा धोध। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तारू बिटिया, पिंकू और मामी उधर खड़े हैं। तो गाइस अपने अपना मामा जा रहा है। हे पायल, हाय पिंकू जी, थक गई? हाय मामी, हाय। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने आंकड़ा धोध के लिए 1 किलोमीटर का अंतर तय कर लिया है, और हमें एक पाखड़ा मिल गया है बैठने के लिए, तो हम लोग बैठे हैं। मैं तो थक गया हूँ, पिंकू जी अभी पता नहीं क्या हाल है, और बेटी एकदम एनर्जी भर है अभी, मैं थक गया हूँ इसीलिए बैठ गया। तो चलिए पिंकू जी अभी आराम हो गया है, अभी निकलते हैं। चलो बेटा भाई भाई निकलते हैं, चलो। थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई। अभी तो 1 किलोमीटर चल रहा है, आप मुझे उठा कर ले जाओ। नहीं भाई बहुत थक गई हूँ, ज्यादा चर्बी वाला गोश्त मैं नहीं उठाता भाई। क्या बोला तूने? तो पिंकू जी आपको आंकड़ा धोध जाने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, थकान लग रही है? चलना, तो भाई कुछ अच्छा देखने के लिए थोड़ा थकान भी जरूरी होती है, पहाड़ों पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वैसा सब कुछ सहन करना पड़ेगा।
और तुम बताती हो ना रास्ते में ये सब दूध पहाड़ पे क्यों होते हैं? पहाड़ पे ही दूध होंगे भाई, वाटरफॉल वहीं मिलेंगे, और सब जगह तो गटर ही होती है। तो फ्रेंड्स अभी 1/2 किलोमीटर बाकी है और मैं थक गया भाई, पूरा पंखा फास हो गया। चलो निकलते हैं। सभी लोग थक गए हैं और आई थिंक वो दूध देख रहा है यहाँ से, आंकड़ा दूध आप देख सकते हो। अभी 1/2 किलोमीटर बाकी है। मंडी ठाकी क्या? ओह तो फ्रेंड्स अभी रास्ता खराब आ गया है, संभल के उतर रहे सभी लोग। ओरे 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 ए जाइले 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 बिकू कुदी में मर जाए। ओए चल बा मामी। ए ए ए ए मामा तो आराम से आ गया। देखो फ्रेंड्स कैसे हम लोग जा रहे हैं जंगल में से अंदर, आंकड़ा दूध। तो गाइस देखो यहाँ पे चौड़ाई कैसी है, फिसलन भरी है हाय, और मैं तो बहुत थक गया हूँ भाई। पिंकू जी भी थक गई है, मामी भी थक गई है। तो फ्रेंड्स हालत पंचर हो गई है एकदम, सभी लोग खड़े हैं हमारे हमारा वेट कर रहे हैं। चलो हाय। हाँ दोस्तों अभी पिंकू जी की हालत पंचर हो गई एकदम, और मामी भी पंचर हो गई, अभी टायर पंचर हो गया हाय, बस आ ही गया। चलो अभी देखियो फ्रेंड्स कैसा रास्ता है अकड़ दूध जाने के लिए हाय। ये देखो पूरा कीचड़ है, मतलब फिसलन भरी जगह है, और ऐसे चढ़ के जाना पड़ रहा है। देखो पिंकू जी जा रही है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अकड़ा दूध, और आप लोग देख सकते हो भीड़ कितने लोग आते हैं यहाँ पे। देखो दूध में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो साफ लग रहा है, भले हम लोग इतना दूर चलते हैं लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है भाई। Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. मामी भी आ गई और आरू बिटिया भी आ गई है, पिंकू जी भी आ गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसा लग रहा है? मस्त है ना? आ जा ये।
नहाने जा रही क्या? मजा आ रहा है? ये क्या कर रही है भाई? अरे वेरी गुड। नो 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 नो।